स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Yeah, I think yeah, they played very well. You know, they played proper cricketing shot. They didn't take any chance, like any aggressive shot. They were just playing with the momentum and they were playing according to the situation. Wicket was also very good to bat on. So I think yeah, they both played really well. हाँ, विकेट अच्छा था क्योंकि बॉल अच्छा बैट पे आ रहा था, स्पिन नहीं हो रहा था, इतना स्विंग भी नहीं हो रहा था, तो मेरे ख्याल से बैट्समैन्स के लिए आइडियल विकेट था। तो हो सकता था कि पहला वेन्यू है, पता नहीं है कि ये विकेट कैसा बिहेव करेगा, कैसा खेलेगा जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा। बट जैसे 323 बने उस हिसाब से ऐसे लग रहा था कि विकेट फर्स्ट हाफ में तो अच्छा था, बट सेकेंड हाफ का पता नहीं कि और स्लो हो जाएगा या और टर्न होने लगेगा, बट ओवरऑल विकेट बहुत ही अच्छा रहा थ्रू आउट द गेम। आई थिंक As I said, we didn't know that how is wicket gonna be look like, because first game we are playing here. So I think start with the three seamer. It's a good option, I guess, because you have to bowl in power play as well. So fast bowler can contain the batsman, like they can contain the run in first 10, first 15 overs. So I think three fast bowler is a good option on wicket like that. नहीं, जैसे मैंने कहा कि जब हम बॉल डाल रहे थे, स्पेशली मैं बॉल डाल रहा था, तो बॉल इतना टर्न नहीं हुआ, विकेट से इतना कुछ ऑफ द विकेट हेल्प नहीं मिला, तो लग रहा था कि अच्छा विकेट है फर्स्ट हाफ में। बट जैसे जैसे वही पता नहीं था कि सेकेंड हाफ में विकेट कैसा खेलेगा, बट थ्रू आउट द गेम एक जैसा ही विकेट खेला। तो मेरे ख्याल से जैसे स्टार्ट मिला शिखर का विकेट के बाद, विराट और रोहित खेल रहे थे और उनका पार्टनरशिप अच्छा हुआ, तब लग रहा था कि चेस हो सकता है, क्योंकि बॉल स्पिन नहीं हुआ और फास्ट बॉलर का भी कुछ इतना हुआ नहीं। तो वही कि मैं कहूँगा कि एक फ्लैट विकेट था जो बैट्समैनों के लिए बहुत ही अच्छा था। Nothing I didn't know about this wicket, but I was just looking to bowl in the areas, like I was just planning with the try and bowl into the stump, try and not give them width, because they are very good at straight, they can hit big straight. So I think I was just keep trying to, you know, restrict them, just trying to bowl in good areas. विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को आईपीएल में भी बॉल डालने का मौका मिलता है, तो आप ऐसे बॉलर उनकी दोनों की बैटिंग को किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या उनकी बैटिंग में विराट कोहली ऐसा लगता है कि कैसे जोन में आ जाते हैं कि यहाँ पे उनको रोकना मुश्किल होता है, और वाइट बॉल के साथ रोहित का भी ऐसा ही तो ऐसे बॉलर आप उनको कैसे उनको अभी तो ये सोचने की बात नहीं है, वो तो अभी 6 महीने बाद है आईपीएल, तो अभी इनकी टीम के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि इनके बैट्समैन को मैं कैसे डालूं। बट हाँ, अगर दोनों सेट हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि वो डाउन द ग्राउंड भी शॉट खेलते हैं और ऊपर से भी खेल सकते हैं और हर जगह खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे बैट्समैनों के अगेंस्ट थोड़ा टफ रहता है बॉल डालना। कुछ